लग गई है। ये देखो भाई, तुगलकाबाद वाला इंजन था ये हमारी ट्रेन, ये सेकंड क्लास। ये देखो भाई, ये D3 मतलब सेकंड सीटर, ठीक है। और अब हमारी हम देखते हैं हमारी कहाँ है, ये H1 अपना है। H1 मतलब फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास नहीं नहीं फर्स्ट क्लास को ऐसे नाम दे दिया। अच्छा, ये हमारी AC 2 टायर आ गया। अब हमारी है थर्ड AC, थर्ड ये इशू। ओए बेटी ओए, और सडन थी जा है, इन्हें रुकन दे। नहीं 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 नहीं, इधर आओ, इधर आओ। पाछे दाना वाले ने धक्का मार के मेरा पास A1 मरेगा बतेरी। अब हमारा कहाँ है भाई, ये थर्ड इस ये आ गई है हमारा, ये वाला कोच है हमारा B6 है भाई हमारा, ये है हमारा B6। देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, दिखाती मैं आपको कैसी सीट है। देखिए दोस्तों, ट्रेन साफ है, नीट एंड क्लीन। हमारी माध्यम ऊपर वाली में बेशक जाकर बैठ गए, ये हो गए। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। सिंक बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल फ्रेश है। हैंड वॉश वगैरह सारी चीजें देखिए दोस्तों, मेरे बच्चे दोनों ऊपर। अब हम सोने की तैयारी में सोएंगे। हाँ हाँ, निकल जा बेटा, इसमें से निकलना है। सबके ब्लैंकेट निकाल दिए हैं, ट्रेन में ब्लैंकेट तो मिलते नहीं है, इसलिए सब अपने घर से ब्लैंकेट लेके आए हैं। देखो तो ट्रेन में आए तो अपने ब्लैंक जरूर लेके आए। ये हमारे मैं तो खोल लिया अपनी, पहले थोड़ी उंगली दे के दबाया, फिर वो ऊपर आ गया, निकल गया, फिर मैंने उसको फिर दांत से काट लिया। अरे वाह, ले सड़े गया। तुम्हारा मेल से है, तुम सब कुछ कर सकते हो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हड़ताल हो चुके हैं। ये है जम्मू स्टेशन, जम्मू पहुँच गया। सही टाइम पर चल जम्मू स्टेशन। ये देखो भाई, ये पहला व्यू त्रिकुटा पर्वत का, बर्फबारी हो चुकी है, पूरा पहाड़ जो है त्रिकुटा पर्वत ढक चुका है। अब हमारा कटरा स्टेशन आ चुका है। ये जो सामने जो पहाड़ दिख रहा है, जो त्रिकुटा पर्वत है, पूरी सफ़ेद चादर से ढक चुका है। अब आगे दिखाते हैं कटरा स्टेशन का क्या व्यू है। ये देखिए दोस्तों, और पूरा हो चुके हैं हम कटरा रेलवे स्टेशन उतर चुके हैं। ये डबल डोर और इनका टेस्ट हो चुका है, ये उनकी लाइन है। दूसरी लाइन में वो हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं, टेस्ट नहीं हो रहे, ये लाइन लगी हुई है। आगे की जानकारी देती है, लगी
ये देखिए हमने अपनी रिपोर्ट दिखा दी है और हम अब जा रहे हैं यात्रा पे अपनी। सीधे 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 हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। देखिए रेलवे स्टेशन एक्सलेटर इज बंद, आई डोंट नो व्हाई, वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए कितने सारे यात्री हैं और अभी तो भीड़ जमी हुई है भाई साहब। ये देखिए देखिए अब हम जाएंगे नीचे और फिर एग्जिट एंड देन निहारिका भवन जाएंगे। हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इस वजह से हम निहारिका भवन पहले जाएंगे। ओके बाय बाय। तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं भोजन वाले में। मॉर्निंग में इधर दो ही चीज़ अवेलेबल है, पनीर पराठा और आलू पराठा। तो हमने एक प्लेट आलू पराठा मंगाया और एक प्लेट पनीर पराठा मंगाया। हम पहले चखेंगे कि कैसे हैं और फिर मंगाएंगे। और तो दोस्तों ये नीचे भोजनालय है, इसमें मॉर्निंग में सिर्फ आलू पराठा पनीर पराठा और दही के साथ अवेलेबल है। जो ऊपर भोजनालय है उसमें डोसा भी है, साउथ इंडियन सारी क्यूज़ीन है उसमें। तो मम्मी वगैरह ट्राई कर रही नीचे और मैं खाऊंगी माता जाएगी भाई हेलीकॉप्टर का, हेलीकॉप्टर के टिकट लेने जाएगी माता। माँ और ये हमारे जवान देश के, ये हेलीकॉप्टर जाएंगे भाई और हम सब छोटे बच्चे जाएंगे पैदल मार्च 1-2-1 मंजी पे। 11 नंबर की गाड़ी था अपनी भाई, अपनी 11 नंबर की गाड़ी था। मजा आओ, टांग टूट रही है इसकी टांग भाई, ट्रेन में भी दुख रही थी भाई। कैसा? ट्रेन में टांग दुख रही थी ना, पैर दुख रहे थे भाई इसके। तो ये भी हेलीकॉप्टर की सवारी, ये भी हेलीकॉप्टर की सवारी और हम सब जाएंगे अपनी पैदल मार्च। तो हमने एक एक प्लेट मंगाया है, ये है पनीर पराठा, ये है आलू पराठा। यहाँ पर चल रही टेस्टिंग, आलू पराठा टेस्ट कर रही गुड़िया, मॉम कर रही है पनीर पराठा टेस्ट। अगर ये अप्रूव कर देते हैं तो इन लंगूरों को मिलेगी भाई। कैसा है? बढ़िया है। एक एक प्लेट मंगा ले, चलो। तो पनीर पराठा मंगाना है, आलू पराठा आप चेंज कर दिया, बेटर बताते हैं कौन सा है। हाँ भाई बेटर बताओ भाई, आपको पहला खूब अच्छा लगा ऐसी जो धीरे बेटा थोड़ा बताओ भाई, पनीर पराठा आलू पराठा ज्यादा अच्छा कौन सा है? पनीर गुड़िया, पनीर पराठा आलू पराठा, पनीर मंजीत है। ये IRCTC का ऊपर रेलवे स्टेशन पे ये एक छोटा सा मॉल खुला हुआ है, देखो भाई। सारी चीजें बहुत ब्यूटीफुल है, नानी को आती बार दिखाएंगे। ये देखो भाई पूरी चीजें हैं। हाँ बेल्ट देख ले तू, बेल्ट क्या ले रहा है? देख ले, नहीं देख ले, क्या करना है तुझे बेल्ट का? वैसे दुखी रहूंगा सारे रास्ते में। नहीं नहीं मंजीत, फिर कौन सी दोगे?
चलो बाहर देखेंगे। कल खाना खा ले। इसकी क्या कॉस्ट है? 260। ये अच्छा, ये पोटली बैग्स पे आ चुके हैं ऊपर के कैफेटेरिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये देखिए दोस्तों, ये अब आ गए हैं ऊपर कैफेटेरिया के। अभी हमने ऊपर मंगाया है डोसा, मेरा मसाला डोसा, आशी का भी मसाला डोसा, ईशु का पनीर, और ये पराठे टेस्ट करके आए हैं। और मंजीत पहले टेस्टिंग करेगा, फिर मंगाएगा। और कैफेटेरिया जो है वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, देखो पूरा इसका इंटीरियर जो है काफ़ी अच्छा है। ऊपर जो कैफेटेरिया है वो बहुत सुंदर है। अभी भी बर्फ दिख रही है आपको नीचे से, देखिए थोड़ा दिख के। ये देखो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ऊपर बर्फबारी हो चुकी है काफ़ी। अभी इतना मैं भी नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है ये कवर है, इसलिए नहीं दिख रहा। पर वो त्रिकुटा पर्वत पर अर्धकुंवारी पर ही बर्फबारी हो चुकी है। ये देखो ये अर्धकुंवारी नहीं है, ये मतलब अर्धकुंवारी से नीचे भी बर्फबारी हो चुकी है। देखो तो मैं देख रहा हूँ कि आपको अर्धकुंवारी इतनी नज़दीक कैसे मिल गई। ये हमारी पंडरिया, मेरी चीकू, ये मंजीत। कैसा मामा? थोड़ा थोड़ा ठीक है। मंजीत का आलू के परांठे पे टूट पड़े हुए हैं। टूट पड़ी हो भाई एक बार? हाँ ये देखो भाई टूट पड़े हैं। अरे की अरे क्या मिले जी बाय, जल्दी थोड़ा सा क्योंकि नीचे वो बोर हो गए हैं। घंटे से अंडर, चलो चलो जाओ तो बढ़िया कह रहा है। बर्फ देखी किसा लग गया? 26 साल बाद आ गए। गुड़िया कैसा लगा बर्फ देख के? नहीं बर्फ 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 बढ़िया लगी, बढ़िया। ये हेलीकॉप्टर में जागी भाई, ये न्यू जू जू करती जागी भाई साहब। यार कते ऊपर चढ़ जाएगी मातू? वो जान लग रहा